आपसे बात करूं? एक्चुअली पता नहीं लोगों को ये मालूम था कि मैं टीचर थी, तो बच्चों से काफ़ी मेरा मतलब मैं कंफर्ट लेवल रहता है मेरा, वो तो मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि सुनील को मैं जानती थी, तो थिएटर का आदमी है, तो जाहिर हमारी बिरादरी का है। तो जैसे उसने उसके पास से आया, मुझे मैसेज किया ऐसे बनना है, क्योंकि धर्मेश जी को मैं नहीं जानती थी जो प्रोड्यूसर, तो और बच्चों की फिल्म में तो फिर ना बोलने का कुछ था ही नहीं मेरे लिए। जी मैं सच्ची बात अगर बताऊं तो उसको आप मेरे में जो कमी है कह सकते हैं, मेरा रिसर्च वगैरह कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर समझ में आए तो जो फिर आपका दिल से जो निकलता है, अभिनय बोलो या एक्सप्रेशंस बोलो या थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर बोलो, वो मेरे लिए होता है। जो मतलब तैयारी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि अरे लोग कैसे, मैंने कितनी भी तैयारी करने की कोशिश की तो होती नहीं मेरे से। लेकिन क्या है कि अगर डायरेक्टर से आपकी ट्यूनिंग हो और अगर आपको सब्जेक्ट पसंद हो तो फिर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। और दूसरा ये है कि एक माँ, एक टीचर, एक जागरूक सिटीज़न, तो ये सब्जेक्ट ऐसा था कि जो मेरे करीब था, बिकॉज मुझे मालूम है कि जो बच्चों पे आजकल प्रेशर आते हैं, और मैं सिर्फ पेरेंट्स को नहीं ब्लेम करूँगी, बिकॉज इतना कंपटीशन चल रहा है सोसाइटी में कि वो पेरेंट्स, इट्स लाइक विशेष सर्कल, बिकॉज पेरेंट्स को फिर उस स्टैंडर्ड तक रहना पड़ता है कभी कभी। अब कुछ लोग जो है ज़रा ज़्यादा करते हैं तो फिर बच्चों पे कैसा प्रेशर आता है। तो मेनली ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, और मैं तो बोलूँ सोसाइटी के लिए बनी हुई फिल्म है, और जो बनाई भी बच्चों ने और पेरेंट्स ने, हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में असल में तो बच्चों की फिल्म है। जी आपको मालूम है ना सेट पे बच्चे रहे, लेकिन मेरा प्रॉब्लम था नहीं, इसलिए कि मैं स्कूल में और कॉलेज में बच्चों को हैंडल कर चुकी हूँ। मतलब स्कूल में मेनली किया हुआ है जो, क्योंकि इसमें तो स्कूल के बच्चे थे, तो अगर आपको मालूम है कि बच्चे जब तक शैतानी नहीं करेंगे थोड़ी सी, और सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात थी कि उन लोगों की ट्यूनिंग अच्छी थी, मतलब वो लोग पिकनिक ही मना रहे थे, जो इतने सारे बच्चे थे वो ऐसा नहीं था कि मैं वन अप करूँगा या कुछ करूँगा। मुझे लगता है इसका क्रेडिट सुनील को जाता है, हमारे डायरेक्टर को जाता है, कि बच्चों के साथ इतना पिछली काम करना और उनसे अच्छा काम निकलवाना, और वो ऐसा कि वो आर्टिफिशियल ना लगे, तो मुझे लगता है कि वो उसने बहुत अच्छी तरह से वो कर लिया सुनील ने। और मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चे बच्चों की तरह बिहेव करेंगे तो ही वो, नहीं तो फिल्म में आर्टिफिशियल एक्टिंग करेंगे ना, अगर तो रियल एक्टिंग नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि फिल्म देखो, और ये नहीं कि कोई प्रीचिंग कर रहे हैं हम लोग या कुछ कर रहे हैं, देख के आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अपनी फिल्म है, और आपको थोड़ा सा सोचने के लिए ये मजबूर करेगी फिल्म, और फिर हो सकता है कि आपके एटीट्यूड में जो पेरेंट्स हैं या जो बाकी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा इसके लिए। थैंक यू सो मच। रेडी आप बोलिए, रेडी तो शुरू रेडी शुरू करें बोलिए। तो एसेंशियली मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारी फिल्म में जो दद्दा का किरदार निभा रहे हैं, इनको आपने देखा ही है, बहुत बेहतरीन ढंग से देखा है आपने, खिचड़ी फिल्म में भी और सीरियल में भी। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो इनकी इमेज देखी है अभी तक, उस इमेज से बहुत अलग, बहुत ऑन अ वेरी सेंसिटिव, ऑन अ वेरी सिंसियर नोट अनंग भाई ने परफॉर्म किया है। और जो किरदार है उसके बारे में खुद आपको ब्रीफ करेंगे। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू नो ऑल गुड एक्टर्स ऑन बोर्ड, इंक्लूडिंग विक्रम गोखले साहब, वो एक सीरियल आया था अकबर बीरबल, इसमें वो अकबर बने थे और मैं बीरबल बना था। सो ओवर टू अनंग भाई अबाउट द कैरेक्टर दद्दा। मैं दद्दा के बारे में बोलूं उससे पहले ये कहूंगा कि टेक इट ईजी जो फिल्म सुनील जी ने बनाई है उसमें काम करने में हम सबको बहुत मज़ा आया, और सुनील ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है जिसकी वजह से हम सब प्रभावित होकर इस फिल्म के साथ जुड़ गए, और इन्होंने हम सबको इतना फाइन ट्यून किया एज ए डायरेक्टर, ताकि एक सारी टीम वर्क इतना अच्छा आ पाया है जो आप सब लोग देखेंगे तो पता लगेगा, और हम सबको काम करने में बहुत मज़ा आया। और आप देखेंगे तो ये भी पता लगेगा कि सुनील, हालांकि उनकी पहली फिल्म है, लगेगा नहीं कि उनकी पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म है। सो प्लीज़ वॉच द फिल्म। और सेकेंडली मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊँ तो मैं
एक फैमिली है या दो फैमिली की कहानी है, दो परिवारों की कहानी है और उनके बच्चों की कहानी है और बच्चों के साथ जुड़े और बच्चों की कहानी। एक परिवार के मुखिया का रोल मैं कर रहा हूँ जो दद्दा है, ग्रैंडफादर है, मेरा बेटा है, बहू है और मेरा पोता है, और पोते के ज़रिए जो जो कुछ चीज़ें होती है वो मेरा रोल है। बहुत ही अच्छा रोल है। खिचड़ी का मेरा रोल बहुत लैंडमार्क हो चुका है, लोग मुझे कॉमेडी के साथ एसोसिएट करते हैं, बट मज़ा ये हुआ है कि ये रोल बिल्कुल ही अलग है, उससे बिल्कुल ही अलग है, और हंसते खेलते एक सीरियस नोट पर ये रोल चला जाता है और बड़े सेंसिटिवली इश्यूज़ को डील किया गया है। तो कई उतार चढ़ाव है इस रोल में, तो इसीलिए मुझे करने में भी बहुत मज़ा आया। और ये फिल्म का सब्जेक्ट ही ऐसा है पीयर प्रेशर का, बच्चों के ऊपर जो पीयर प्रेशर पेरेंट्स डालते हैं उसका है, तो ऐसा रेलेवेंट सब्जेक्ट है आज के समाज के लिए, तो हमने बिल्कुल ग्रिम होकर नहीं, हंसते खेलते एंटरटेनिंग वे में इस सब्जेक्ट को डील किया है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये हमारी फिल्म की बात है, टेक इट ईजी। एसेंशियली नंग भाई ने बिल्कुल सही बात कही, बहुत ही सेंसिटिव सा सब्जेक्ट है एसेंशियली। फिल्म की जो इमोशंस जुड़ी हैं एसेंशियली वो हर फैमिली के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जनरेशन गैप जो है मुझ में और मेरे पिताजी के बीच में है, पिताजी और उनके पिताजी के बीच में है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है जो बच्चे फील करते हैं आजकल के, वो उसकी शुरुआत वहीं से ही है, सो कॉल्ड जनरेशन गैप, कि हम तो ऐसा करते थे तुम ऐसा नहीं कर रहे। एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन इन कॉम्पिटिशन, जब बार बार एक ही बात के लिए कि तेरे मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, उसने गोल्ड मेडल जीता तूने सिल्वर जीता, तो एक जब कॉम्पिटिशन होगा तो एक जीतेगा एक हारेगा, जो जीतेगा उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा और जो हारेगा उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इनोसेंट माइंड में जिस तरह के बच्चों की, जिस एज ग्रुप के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उस इनोसेंट माइंड में आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी जलन पैदा होगी, तो दो दोस्त दुश्मन बनेंगे, और कैसे वो आपस से दोस्त बनते हैं और उस प्रोसेस में कैसे घर के मुखिया, घर का सारा परिवार कैसे उसमें उनको सपोर्ट करता है या करना चाहिए, इस तरह के टॉपिक से हम इस फिल्म में डील कर रहे हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। डेफिनेटली इस टॉपिक पर फिल्में बन चुकी हैं, दिग्गज फिल्में बन चुकी हैं, तारिज़मी पे हैं, थ्री इडियट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे दोनों तारिज़मी पे और थ्री इडियट्स एक ही लगभग एक टॉपिक पर होते हुए एक दूसरे से अलग फिल्में, वैसे ही उसी टॉपिक पर होते हुए ये थर्ड किस्म की फिल्म जो बहुत ही अलग ढंग से हमने डील की। हम अनंग भाई और बाकी सभी एक्टर्स के साथ सभी ऑडियंस को ये कहना चाहेंगे, प्लीज़ 2 जनवरी को ये फिल्म ज़रूर देखें। एंड इसमें जो हमने मैसेज को सिनेमैटिक ढंग से कहा है उससे रिलेट करें और कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हुए हम अपने घर में वैसी चीज़ें ना होने दें जैसे जिस तरह के आजकल हम न्यूज़पेपर्स या अखबारों में पढ़ते हैं पेरेंटल प्रेशर में आके बच्चों ने, यू नो, कहीं ना कहीं वो माहौल हमें घर में क्रिएट करना होगा कि बच्चे प्रेशर को फील भी करें लेकिन वो इस हद तक फील ना करें कि वो प्रेशर नेगेटिव रूप लें, वो बहुत पॉजिटिव ढंग से उस प्रेशर के साथ अप्रोचेबल माँ बाप बने, कि बच्चों को अगर प्रेशर फील हो तो कहीं बाहर सीख ना करें उसका सोल्यूशन, बल्कि खुद माँ बाप से बात करें। दिस इज़ हाउ नो दिस फिल्म इज़ डिज़ाइंड इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। बाकी 2 जनवरी 2015 नया साल, एंड हम सभी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द लवली ऑडियंस देयर। आई सपोज वी बिल्कुल ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर, और ये फिल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक मेम्बर ऑफ द ऑडियंस आइडेंटिफाई करेगा कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस हमने फिल्म में प्रेजेंट किए। थैंक यू। थैंक यू। आई सपोज दिस इज ओके 5 मिनट्स। एक सेकंड। सर या सर या।